हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, फिर से मैं आप लोग सामने कक्षा 11वीं का भौतिक विज्ञान का प्रश्न बैंक का संपूर्ण सॉल्यूशन लेके आ चुका हूँ, वो भी 2022-23 का है, यानी 2023 का। इसमें आप लोगों को संपूर्ण सॉल्यूशन मिलेगा, वो भी उत्तर सहित, ताकि आप लोगों को किसी कन्फ्यूजन ना हो और आप लोग अपनी वार्षिक परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास हो सको। ठीक, तो जैसा कि आप लोग जानते हो, जितनी भी परीक्षा बनती है, चाहे आपकी त्रैमासिक परीक्षा हो, चाहे अर्धवार्षिक परीक्षा हो, चाहे वो क्या बोलते हैं वार्षिक परीक्षा हो, कितने भी प्रकार की परीक्षा हो, अधिकांशता प्रश्न उत्तर प्रश्न इसी प्रश्न बैंक से लिए जाते हैं, क्योंकि प्रश्न बैंक में पूरे अध्याय मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं थोड़ा यहाँ पर आप लोगों के सामने ब्लू पेंट दिखा देता हूँ। ये ब्लू पेंट दिया गया, इसी के आधार पर ही आपका पैटर्न के आधार पर आपका क्वेश्चन बनता है, यानी प्रश्न पत्र बनते हैं। जैसे पूर्णांक की बात करते हैं, तो पूर्णांक 70 नंबर का रहेगा, समय आपके पास 3 घंटे रहेंगे। तो चलिए हम लोग देख ही लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर कुछ अनुक्रमणता दी गई, यानी अध्याय अध्याय दिए गए हैं, तो चलिए उनको भी देखते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, अध्याय 1 हटा दिया गया, जबकि अध्याय 2 को आपको आपके 2 से आने हैं। तो अध्याय 2 का नाम है मात्रक एवं मापन। तो मैं इसके आंसर आप लोगों को सही विकल्प, जैसा कि आप लोग जानते हैं, सर्वप्रथम सही विकल्प पूछे जाते हैं आपके प्रश्न पत्र में। तो हम लोग देखते हैं, जैसा पहला लगा, एक प्रकाश वर्ष का मान होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा, पहले का हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो आप लोग देख सकते हो। दूसरा लगा, एक आमयु बराबर क्या होता है, तो दूसरे का आंसर की बात करते हैं, दूसरे का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरे की बात करते हैं, तो तीसरे का आपका सामने ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तीसरे का हो जाएगा ए ऑप्शन, तीसरे का हो जाएगा ए ऑप्शन। हाँ, तीसरा आप एक मिनट बच्चों, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन हो, तीसरे वाला ए है। ठीक, तीसरे का ए ऑप्शन हो जाएगा, ए वाला। ठीक, हाँ, चौथा दिया गया है, चौथा का ए होना था, तो इन्होंने चौथा नहीं दिया है, जबकि पाँचवा दिया गया है, तो पाँचवें का आंसर हो जाएगा आप लोग सामने डी ऑप्शन सही। छठवें का हो जाएगा आप लोग सामने छठवें का हो जाएगा बा ऑप्शन सही, यानी दूरी का। हाँ, सातवें का बात करते हैं, सातवें का भी बा ऑप्शन सही हो जाएगा, न्यूटन। आठवें की बात करते हैं, तो आठवें का सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसे हम लीटर कहते हैं। और दसवां की बात करते हैं, दसवें का भी बा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग सामने सही विकल्प बता दिए, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चाहो तो वीडियो को रोक एक बार नहीं हजार बार देख सकते हो। इसके लिए मैंने इसलिए तो बनाया ये वीडियो, ताकि आप लोग कहीं पर भी जाओ, घूमने जाओ, रील लगाए अपने, बढ़िया मस्त अपने पढ़ते गए, उत्तर सहित मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे पहला रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो पहले में हम भर देते हैं। पहले में आपका आएगा 1×10⁻⁶, दूसरे में आपका भर देंगे 5। ठीक, तीसरे में भरना आपको लंबन, ठीक लंबन। चौथे में आपको पारसेस, ठीक पारसेस। और पाँचवें की बात करते हैं, तो पाँचवें भरना आपको MLT² ठीक। और छठवें में बात करते हैं, छठवें भरना आपको 10⁵। और छठवा होगा, सातवें भरना आपको 10⁻⁹। आठवें भरना आपको AT। इस प्रकार से आप लोगों को भर देना है। ठीक बच्चों, चलिए अगला आप लोग सामने है कि सही जोड़ियाँ बनाइए। तो हम सही जोड़ियाँ भी बना देता है। तो पहले की मिलाओगे आप लोगों का खा नंबर से, पहले की मिलाओगे जैसे प्रकाश का बरस, ऐसे आप लोग प्रकाश की बीमा, एक मिनट बच्चों, तो परस की प्रकाश बरस की बीमा। तो बच्चों यहाँ पर मैं अगर इस सही जोड़ियों की बात करते हैं, तो थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन है। देखो मैं स्पष्ट बोलता देता हूँ, ताकि मैं आपके साथ गलत नहीं करना चाहता, इसलिए मैं भी बता रहा हूँ कि यहाँ पर मुझे अभी कन्फ्यूजन है। मैं इसको अभी इसकी लास्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, या स्क्रीनशॉट बता दूंगा, या उसके आंसर भी यहाँ पर डाल दूंगा। ठीक, तो देखो मैं यही नहीं कहता हूँ कि मैं बच्चों के सामने बताऊँ कि मैं तो यही इसका यही है, नहीं भाई, तो आप लोग गलत नहीं करना चाहता हूँ। ठीक, जैसा कि आप लोग समझ ही लोग जानते भी हैं। चलिए अगला, हम इसको लगे सही जुड़ियाँ हैं, इनको मैं अभी कराऊँगा थोड़ी देर में। इसके बाद हम बात करते हैं एक वाक्य में उत्तर की। तो एक वाक्य उत्तर काफ़ी सैल भी होते हैं, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको आप लोग अपने हिसाब से पढ़ लेना। अगर इनके आंसर चाहते हो, तो वो भी मैं लास्ट में बताने वाला हूँ। फिर अति लघुत्तीय प्रश्न रहेंगे इस पार्ट से, फिर लघुत्तीय प्रश्न रहेंगे, ठीक, जो 3-3 नंबर में रहेंगे, जो आपके 2-2 नंबर में रहेंगे। ठीक, इस पर लिखा है। ठीक, चलिए हम बात करते हैं अध्याय 3 की। तो अध्याय 3 में पाठ का नाम है सरलरेखा में गति, तो इसकी भी बात करते हैं। इसके सही विकल्प आप लोग सामने इस प्रकार से दिए गए हैं, जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो चलिए मैं आंसर आंसर बता देता हूँ। जैसा पहला लगा है, स्थिति समय ग्राफ का बल प्रदर्शित करता है, तो इसमें हो जाएगा, पहले का हो जाएगा ए ऑप्शन सही, वेग। दूसरे की बात करते हैं, दूसरे का आंसर हो जाएगा ए, जिसमें लिखा है प्रारंभिक। तीसरे की बात करते हैं, तीसरे का हो जाएगा सी ऑप्शन सही, वस्तु स्तर। चौथे की बात करते हैं, चौथे में हो जाएगा ए ऑप्शन दूरी। पाँचवें की बात करते हैं, पाँचवें में हो जाएगा ए ऑप्शन एक समान गति। छठवें की बात करते हैं, तो छठवें में हो जाएगा सी ऑप्शन यानी त्वरण। इस प्रकार से आप लोग सामने सही विकल्प हो जाएंगे अध्याय 3 के। इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर आप लोग वीडियो को रोककर पढ़ते रहिएगा। रिक्त स्थानों की बात करते हैं, तो रिक्त स्थानों भर लीजिए आप लोग। तो पहले में हो जाएगा आपका समान, समान, ठीक, समान नहीं समान, मतलब एक समान समान हो जाएगा। और दूसरे की बात करते हैं, दूसरे में हो जाएगा एम एस
माइनस के टू। तीसरे में भरना आपको शून्य यानी जीरो भर सकते हो या शून्य भर दिया। चौथे में भरना सकते हो एक। पाँच में भरना आपको चार सेकेंड ठीक। छठे में भरना आपको एक सेकेंड ठीक। सात में भरना आपको शून्य ठीक। इस प्रकार से आपके सामने भर जाएंगे। छठ छः तक दिए गए तो छः तक भर लेना ठीक। चलिए हम बात करते हैं इसके एक वाक्य के आंसर की बात। तो इसके एक वाक्य के आंसर अति लघु 30% ये काफ़ी मोस्ट इनको आप लोग पढ़ भी लेना, घर में भी ट्राई कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा सेल है। आप ये भी देख सकते हो कि मुझमें कितना बन रहा कितना नहीं बन रहा ठीक। ये दी 30% है। चलिए हम अध्याय चार की बात करते हैं। तो अध्याय चार में आप लोग सामने दिया है समतल में गति। तो इसकी भी अध्याय चार की भी हम कुछ आंसर सही आंसर देख लेते हैं। तो पहले की बात करते हैं तो पहले में हो जाएगा आपका एक, पहले का हो जाएगा बी ऑप्शन सही, तो क्षेत्रफल समय ठीक। दूसरे की बात करते हैं दूसरे का हो जाएगा डी ऑप्शन सही। तीसरे की बात करते हैं तीसरे में हो जाएगा सी ऑप्शन सही। चौथे की बात करते हैं चौथे में हो जाएगा ए ऑप्शन सही। पाँचवें की बात करते हैं पाँचवें में हो जाएगा बी ऑप्शन सही। छठवें की बात करते हैं छठवें हो जाएगा डी ऑप्शन सही। सातवें में हो जाएगा आपका सी ऑप्शन सही। तो इस प्रकार से आप लोग सामने ये सही विकल्प हो जाएंगे। आठवें की बात करते हैं तो आठवें हो जाएगा डी ऑप्शन सही, आठवें का डी। नौवें का हो जाएगा ए ऑप्शन सही। दसवें का हो जाएगा सी ऑप्शन सही, सी। और ग्यारहवीं की बात करते हैं ग्यारहवीं का हो जाएगा ए ऑप्शन सही। और बारहवीं का हो जाएगा ए ऑप्शन सही। इस प्रकार से आप लोग सामने मैंने सही विकल्प बता दिया है। चाहो तो आप लोग वीडियो को रुक कर भी पढ़ सकते हो ठीक। रिक्त स्थान की बात करते हैं तो रिक्त स्थान भर लीजिए। पहले में भरोगे आप लोग ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर ठीक, ऊर्ध्वाधर। दूसरे की बात करते हैं दूसरे में भरोगे बाहरी किनारे, बाहरी किनारे ठीक। तीसरे की बात करते हैं तीसरे में भरोगे आप लोग क्षेत्र, 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 पारस, परास ठीक। इस प्रकार से चौथे की बात करते हैं चौथे में लोग आप लोग रेडियन, रेडियन प्रति सेकेंड ठीक। इस प्रकार से पाँच में भरना आप लोगों को क्षेत्र ठीक। छठे में भरना आपको 90°C। इस प्रकार से आप लोगों को भर लेना है। अब आप लोग सामने एक वाक्य उत्तर दिए गए, ए तीरा गुत्ती प्रश्न है और दे दी गुत्ती प्रश्न है। इनको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पढ़ भी सकते हो। इसके बाद आता है अध्याय पाँच। अध्याय पाँच को करने से पहले मैं आप लोगों को खुशखबरी दे दूं, बहुत से बच्चे कक्षा ग्यारहवीं के हमसे जुड़ चुके हैं यानी सब्सक्राइब कर लिया उन लोगों ने। अगर आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने से ही फायदा होगा। जो आपकी बाहर से परीक्षा मार्च में होने वाली है इसके लिए मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डालू उतारूँगा है, तो इसके लिए आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा लाभदायक है। जैसे बहुत से बच्चों ने कर लिया है तो आप लोग भी कर लीजिए। साथ ही आप जो अध्याय पाँच और अध्याय छः बाकी प्रश्नों के उत्तर मैं अगली वीडियो में लाऊँगा। इसलिए लाऊंगा क्योंकि इस भी एक वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, आपको बोरिंग भी लगने लगेगी। इसलिए आप लोग कमेंट में जरूर ये लिखें कि सर इसके आगे का वीडियो भी लाइए, तो मैं जरूर आऊँगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।